21 मई इस तारीख को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के रूप में याद किया जाता है। 21 मई 1991 को एक बम धमाके में राजीव गांधी की मौत हो गई थी, ये शायद आप जानते होंगे। इसलिए मैं आज आपको ये नहीं बताऊंगा, बल्कि असद आज आपको ये बताएगा कि ये मौत कैसे हुई थी, ये धमाका किसने किया था, इसकी वजह क्या थी। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। श्रीलंका की आजादी के वक्त से ही वहां तमिल भाषी लोगों को बहुसंख्या बौद्ध धर्म को मानने वाले सिंगला समुदाय का तिरस्कार झेलना पड़ता था। धीरे धीरे तमिल लोग हर इलाके में हाशिए पर धकेल दिए गए। इस भेदभाव की वजह से तमिलों ने हथियार उठा लिए और वेलुपिल्लई प्रभाकरण नाम के युवा तमिल ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम लिट्टे नाम का एक संगठन बनाया। 1980 के दशक में लिट्टे सबसे मजबूत, अनुशासित और बड़ा तमिल आतंकवादी संगठन बन गया था। अब समीकरण ये बना कि भारत के तमिल श्रीलंका के तमिल से सहानुभूति रखते थे और वो श्रीलंकाई तमिलों का सहयोग भी करने लगे थे। इस बीच जुलाई 1983 में श्रीलंका में 13 सैनिकों की हत्या के बाद दंगे भड़क गए, जिसमें तमिल बड़ी संख्या में मारे गए और वहां गृह युद्ध के हालात बन गए। 1987 में भारत और श्रीलंका के बीच शांति समझौता हुआ, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत भारत को श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स नाम का एक सैन्य दल श्रीलंका भेजना था, जिसे लिट्टे का आत्मसमर्पण करवाना था। शुरू में लिट्टे आत्मसमर्पण को तैयार था और कई सामूहिक आत्मसमर्पण भी हुए, लेकिन 3 हफ्तों में ही ये समर्पण बंद हो गया। श्रीलंका सेना द्वारा गिरफ्तार लिट्टे समर्थकों की रिहाई की मांग तो नहीं हुई, लेकिन उनमें से 12 की आत्महत्या ने मामला गंभीर बना दिया और लिट्टे और IPKF आमने सामने आ गए। दिल्ली में राजनीतिक दल IPKF को वापस बुलाने की मांग करने लगे और वहां श्रीलंका में उसके जवानों की मौत हो रही थी। 1989 में दिल्ली में सत्ता बदली और नई वीपी सिंह सरकार ने श्रीलंका से IPKF को वापस बुला लिया। इसी बीच अगस्त 1990 में राजीव गांधी ने भारत श्रीलंका समझौते का एक बार फिर से पक्ष लिया और अखंड श्रीलंका की बात की। इसे लिट्टे का इलम का सपना टूटता दिखा और उसने समझ लिया कि अगर राजीव दोबारा प्रधानमंत्री बने तो वो सपना टूट जाएगा, लिहाजा लिट्टे ने उनकी हत्या की साजिश शुरू कर दी। इस साजिश को लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण, लिट्टे की खुफिया इकाई के प्रमुख पोर्टू ओमान, महिला दल के प्रमुख अकीला और सिवरासन ने रचा था, जिसमें सिवरासन इस प्लान का मास्टरमाइंड था। राजीव का इंटरव्यू पब्लिश होने के 1 महीने बाद ही लिट्टे के आतंकियों की पहली टुकड़ी शरणार्थियों के तौर पर भारत आई। इसके बाद 7-7 दलों ने भारत में अलग अलग जगहों पर अपने ठिकाने बनाए, जहां से इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी। मई 1991 के पहले हफ्ते में ही आत्मघाती दस्ते की ट्रेनिंग के तौर पर मानव बमों, धनु और सुबह सहित 9 लोगों को मद्रास में वीपी सिंह की सभा में सुरक्षा घेरा तोड़ने का अभ्यास कराया गया। धनु और सुबह ने वीपी सिंह को माला भी पहनाई। इसके बाद 19 मई को सिवरासन को अखबारों से राजीव गांधी के चुनावी कार्यक्रम के बारे में पता चला, जिसके बाद 21 मई को राजीव गांधी के श्री पोरबंदर की यात्रा वाले दिन को चुना गया। इस सभा में धनु और सुबह ने वहां राजीव गांधी के नजदीक पहुंचकर धमाके को अंजाम दिया और एक पल में मंजर बदल गया और देश ने अपने पूर्व प्रधानमंत्री को खो दिया। आपको वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।